रोहतक पुलिस की CIA 1 की टीम ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी से पूछताछ पर हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी ने करीब 8 महीने पहले एक व्यक्ति की हत्या की थी। हत्या के बाद लाश को उसके दोस्तों द्वारा ठिकाने लगाया गया। मृतक के परिजनों द्वारा महम थाना में गुमशुदा का मामला दर्ज करवाया हुआ था। आरोपी को आज अदालत पेश किया गया है। अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में बंद जेल कराया गया है। जल्द ही आरोपी को हत्या के मामले में शामिल जांच की जाएगी। प्रभारी CIA 1 निरीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि दिनांक 2/7/2019 को CIA 1 की टीम विनोद दलाल के नेतृत्व में गश्त में मौजूद थी। सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुरानी ITI ग्राउंड रोहतक से एक युवक को काबू किया गया। पूछताछ पर युवक की पहचान गांव सिगोहा जिला हिसार निवासी नरेंद्र उर्फ बच्ची पुत्र प्रीतम के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर युवक के पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना आर्य नगर में अभियोग अंकित कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आरोपी के खिलाफ हत्या अपहरण व बलात्कार के मामले दर्ज हैं। रोहतक से संजय पांचाल की रिपोर्ट। 2 तारीख को एक इंफॉर्मेशन मिली ओल्ड ITI ग्राउंड के पास नरेंद्र उस बच्ची नाम का लड़का इल्लीगल वेपन के साथ घूम रहा है। उसके बाद उसको राउंड अप किया तो पूछताछ के दौरान उसने बताया कि दिसंबर महीने में 20 तारीख को दारू पीते पीते आपस में लड़ाई झगड़े के दौरान उससे एक आवासीन नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई। उसके बाद उसने अनिल सरपंच जो इसका नरेंद्र का भाई है उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर श्री भगवान एड़ा बिच्छू और सोनू और धर्मपाल शेट्टी के साथ मिलकर डेड बॉडी को हाथी में प्लांट किया और उसको एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। तो इस संबंध में एक मुकदमा महम थाने में गुमशुदगी का दर्ज है और बास थाने में इसी संबंध में एक्सीडेंट किए गए एफआईआर दर्ज है। वो काम तो उसका मुआना है बट वो काफ़ी सालों से बहन में किराए पर है। हाँ, नरेंद्र उस 25 से एक इलीगल वेपन रिकॉर्ड हुआ है, कोर्ट में पेश कर दिया। हाँ, उसको कोर्ट में पेश कर। Audio Jungle.